किसी व्यक्ति के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि उसे वो चाहिए होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने जरूरी योग्यता हासिल की है। बिना योग्यता के मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे तो सिर्फ खाली सपने आएंगे। अगर जीवन को घटित होना है तो हमें जरूरी काबिलियत हासिल करनी होगी, और हमारी क्षमताएं मूलतः इस बात पर निर्भर होती हैं कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में कितनी बुद्धिमानी से काम करते हैं, और वो बुनियादी रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क के तार कितने बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। प्राचीन समय में इस देश में इस संस्कृति में ऐसे विस्तृत सिस्टम हुआ करते थे कि दिमाग को कैसे तैयार किया जाए, मस्तिष्क के तारों को कैसे जितना हो सके तीव्रता के साथ कसा जाए। ऐसे लोग हैं, एक बड़ी सुंदर घटना है जो 1930 में घटी थी। आपने लंबे समय तक मंत्र जाप करने वाले लोगों के बारे में सुना है, शायद मंदिरों में या कहीं और। क्या आपने लोगों को होम या हवन करते हुए घंटों घंटों मंत्रोच्चारण करते सुना है? तो इस मंत्रोच्चारण का इस्तेमाल मस्तिष्क के तारों को बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्थित करने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसमें जो ध्वनियां इस्तेमाल होती थीं उनका मस्तिष्क में होने वाली चीजों पर असर होता था। तो इन मंत्रों की रचना में कुछ खास गणित शामिल होती थी, और साथ ही उनमें कोई कविता भी हुआ करती थी, क्योंकि वो गढ़ी हुई ध्वनियों को एक खास स्तर तक इस्तेमाल करते थे। ये उनके मस्तिष्क को इतना ज्यादा व्यवस्थित कर देती थीं कि उनकी याददाश्त इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाती थी जो कि एक इंसान के लिए लगभग असंभव लगती है। आमतौर पर आजकल हम ऐसी चीजों को इंसान के लिए संभव मानते हैं। इन ध्वनियों का एक खास तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से उनके पास वैसी याददाश्त होती थी। ऐसा हुआ, दो लोग बनारस गए। वो दोस्त थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे और एक बिजनेस डील कर रहे थे। तो समझौता ये हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कारोबार करने के लिए 50,000 रुपए देने की पेशकश की। तो ठीक वहीं उन्होंने बात करके समझौता कर लिया और सौदा तय हो गया। कुछ साल बाद, क्योंकि कोई लिखित कागजात नहीं थे, तो जब इस आदमी ने पैसे वापस मांगे तो दूसरा बोला, तुमने मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो अदालत गया। जब वो अदालत गया, उसने कहा, मैंने पैसे दिए थे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो जज ने कहा, तुम्हें कोई सबूत लाना पड़ेगा, नहीं तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तब उसे याद आया कि जब वो नदी में थे तो उन्होंने अपने पास ही एक ब्राह्मण पुजारी को नहाते हुए देखा था। तो उसके अंदर उम्मीद जगी कि शायद उसने हम दोनों की बातें सुनी हो और मैं उसे गवाह के रूप में ला सकता हूं। तो वो उस आदमी को खोजते हुए बनारस गया। उसे वो आदमी मिल गया, लेकिन जब उसे ये पता चला तो उसे निराशा हुई कि उस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती थी। ये दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे और इस पुजारी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। तो उसे लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों? तब उसने उसे बताया, देखिए, 4 साल पहले हम नहा रहे थे और आप भी वहां पर थे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि क्या मैं आपको गवाह के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा था मैं वो बात दोहरा सकता हूं। आप दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई थी मैं उसे दोहरा सकता हूं। वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है, लेकिन उसने उन्होंने जो भी बात की थी उसका एक एक शब्द दोहरा दिया। उन्होंने जो भी ध्वनियां निकाली थी वो उसे याद थी। उसे उनका मतलब नहीं पता था, वो भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसने एक एक शब्द वही बोला जो उन्होंने बोला था। फिर उसे अदालत में लाया गया और वो मुकदमा जीत गया। तो हमारी याददाश्त को और काम करने की हमारी क्षमता को इतना ज्यादा केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम इस आंतरिक स्थिति को ठीक से संभालें। और ऐसा करने के लिए एक आसान चीज ये है कि अगर आप सब इच्छुक हैं तो हम इसके अंदर कई और चरण ला सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप बस निश्चल होना सीखें। अगर आप कहीं बैठें तो बस पूरी तरह निश्चल होकर बैठना सीखिए, बिना हिले डुले, बस निश्चल होकर बैठें। आप देखेंगे कि आपकी समझने की क्षमता और अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। हर चीज जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और छूते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाती है। आपकी याददाश्त की समस्या केवल जरूरत पड़ने पर उसे वापस लाने में है।
रिकॉर्डिंग होने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिमाग हर चीज को दर्ज कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको वो मिलती नहीं है, आप चाहते कुछ और हैं और कुछ और ही निकल कर आता है। तो ये सवाल स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। याददाश्त का मतलब है, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि इस फोन की मेमोरी कम है, तो इसका क्या मतलब है? इसकी दर्ज करने की क्षमता सीमित है ना? अगर मैं 2 दबाऊं और 5 लिख कर आए, तो इसका क्या मतलब है? मेमोरी खराब है कि कीबोर्ड खराब है? कीबोर्ड खराब है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बैड कीबोर्ड, दिस नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैड मेमोरी। तो ये सवाल खराब कीबोर्ड का है, ये सवाल खराब मेमोरी का नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 2 को 2 कहें, 5 नहीं। ये सवाल कीबोर्ड के खराब होने का है। मेमोरी को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, मेमोरी बढ़िया है। हर चीज जो आप देखते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है, आप सही नंबर टाइप नहीं कर पा रहे हैं, यही सारी समस्या है ना? तो ये सवाल याददाश्त का नहीं है, ये सवाल स्पष्टता का है। तो हमें स्पष्टता पर काम करना होगा। वो क्या है जो हमको मन की स्पष्टता देता है? पहली चीज ये कि हम सीखें कि अगर हमारी स्पष्टता पहले से अच्छी नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कि चीजों को एक खास सटीकता से संभालना सीखें। यही हठ योग है। आपका पैर कहां होना चाहिए? यहां। यहां नहीं, इस तरह। आपके हाथ कहां होने चाहिए? इस तरह। ये ठीक नहीं है, बस इस तरह। इन सब को सेट करने के लिए मेरा सिर नीचे देख रहा है, ओह इस तरह नहीं, इस तरह। सटीकता। अब आप नीचे आए, जब आप बैठे हैं, आप इस पर गौर करें, ठीक है? आपकी पैंट किस तरह से रहनी चाहिए? इस तरह। आप अपने साथ जो कुछ भी लाए हैं, अपनी किताब, आपकी नोटबुक कहां रखी होनी चाहिए, आपका पेन कहां रखा होना चाहिए? यहां। बस इसका अभ्यास कीजिए, अपनी हर छोटी से छोटी चीज के साथ, अपनी गतिविधियों में बस ऐसी सटीकता को लेकर आइए। तब यह आपके मन के साथ भी होगा। तब आप देखेंगे कि अगर मैंने ये कहा तो नंबर 2 ही दबेगा, नंबर 5 नहीं आएगा। अभी ये कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो इसे धीरे धीरे संभालें। 2 3 1, ओके, 2 यहां है, 3 यहां है, 1 यहां है। आप बस अपने जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा कीजिए। जब आप सोने पहुंचे, हर चीज किस तरह से होनी चाहिए? आप अपने कमरे में गए, उसे कैसा होना चाहिए? जिस सटीकता से आप अपने आसन करते हैं, बस उसे अपने जीवन में लेकर के आ जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन बहुत बहुत स्पष्ट हो जाता है, ये हर चीज को लेकर सटीक बन जाता है। इस सरल अभ्यास को आपको इसी पल से करना होगा, जब आप खड़े हों, जब आप बैठें, जब आप चलें और जब आप यहां से बाहर जाएं, आपको ऐसे देखना चाहिए जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्या है वो? इस तरह। इस जगह में कितने कॉलम हैं? उन सबको गिनने की कोशिश मत कीजिए। पहली पंक्ति को अगर आप इसे बस ऐसे देखें, ओ ये 5 कॉलम हैं। आपको बस इसे दर्ज कर लेना चाहिए, 5 कॉलम, 1 बर्तन, 1 बैठने वाला पत्थर, 1 बड़ी चट्टान, 1 तालाब, फिर 3 और फिर 4 और कॉलम, 1 दरवाजा। कितना ऊंचा? 12 फुट जितना ऊंचा लगता है। बस ऐसा कीजिए हर चीज के साथ। यहां से वहां तक कितने कदम, उसे 1 2 करके मत गिनिए। या 3 कदम लेने के बाद, ठीक है मेरे ख्याल से 3 हुए, फिर और 3, फिर और 3, फिर और 3। कुछ दिनों के बाद 11 गिनिए, या 4 या 5। बस यूं ही बिना सोचे आपको धीरे धीरे पता चल जाना चाहिए कि ओके मेरे ख्याल से मैं 12 कदम चला हूं। यही योग है। समय के साथ यह असर अपने आप होगा, लेकिन अभी हम जल्दी में हैं, तो इसे करने के लिए मन का भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसी सटीकता
जो आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं उसी सटीकता को अपने मन में भी लाइए। मन को शरीर की नकल करने दीजिए, आप देखेंगे कि स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आएगी। याददाश्त समस्या नहीं है, हर चीज वैसे भी दर्ज हो रही है। मैं अभी आपको गाली दूं, मैं आपको बहुत भला बुरा कह दूं, आप उसे भूलने की कोशिश कीजिए, भूल पाएंगे? आप उसे जिंदगी भर याद रखेंगे, हाँ या नहीं? तो आपकी याददाश्त बढ़िया है, आप बस गालियां याद रखते हैं, बस। अगर आप अपने मन को ऐसे अभ्यास कराएं तो यह ऐसा बन जाएगा कि आप इससे जो चाहे करवा सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन बहुत बहुत स्पष्ट हो जाता है। जब आपका मन एक चीज पर पूरा केंद्रित होता है तो वो एक शक्तिशाली यंत्र होता है। ये ऐसी चीज है जो आप अपने अंदर करते हैं ताकि आप मन के पीछे की ओर निकल कर जा सकें। अगर हमें पता होता कि आईने के पीछे कौन है, तब हम हर चीज को बदल सकते हैं।